क्या आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जी। हाँ, ये पानी टंकी है, पीने की पानी जो आप स्टोर करते हैं या फिर जो आप वॉशरूम के लिए स्टोर करते हैं, ये सब कुछ है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ये, और हम आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाएंगे यहाँ पर मैं, और कैसे इंस्टॉल किया, कितने की है, प्राइस साइज सब कुछ बताने वाले हैं यहाँ पर। और आप बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। और देखिए, पूरा इतनी बड़ी टैंक है हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए हमने कैसा आपको दिखाया कि बिल्कुल वाटर जो टैंक है बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। स्पेस सेविंग है और बहुत अच्छी है, और आप तुरंत के तुरंत इसे सेट कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत इसे लगवा भी सकते हैं। आपका टाइम बचता है और पैसों की भी बचत हो जाती है, और पैसों की बचत ना भी हो तो आपका जो है काम तुरंत हो जाता है। और टंकी भी है, जैसे कि आप जानते हैं 6 लेयर का है, तो बहुत ही अच्छी है, सेफ है। आज हम आपके लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वीडियो लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल इस वीडियो में हम जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जिसे कि इंस्टॉल किया जा रहा है आज हमारे घर पर। और हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी रिव्यू लेकर आ चुके हैं। इसका प्राइस और इसका जो है गारंटी वारंटी सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है आज इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसकी पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और न्यू टंकी जैसे कि देख सकते हो हमारे यहाँ जो आ चुकी है, ये ज़मीन के लिए जो है अंडरग्राउंड होती है तो अलग से आती है, और जो आप छत के ऊपर जो इंस्टॉल करते हैं वो टैंक अलग आता है। तो ये देखिए, हम आपको पूरी टैंक दिखा देते हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है, और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं यूज़फुल वीडियो। तो आज की वीडियो है खास, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर महाचक्र का जो है वाटर टैंक है, इसमें महाचक्र का है, और पूरा जो है हम इसे झीले से ओपन कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से, और हम भी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ये पफ का है, महाचक्र है, और इसकी गारंटी भी है, हमारे पास गारंटी कार्ड भी आ चुकी है। और यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको चारों तरफ से, ये देखिए लिड है इसकी, तो ये बहुत ही मजबूती से बनती है, और इसे हम आपको खोल के दिखा देते हैं, इसके अंदर भी दिखाएंगे। तो ये जो है 1000 लीटर का वाटर टैंक है, ये देखिए हम इसको अंदर तक दिखा देते हैं आपको। 6 लेयर का है और 1000 लीटर का टंकी है ये, और इसे बंद कर देते हैं क्योंकि आज इसे जो है इंस्टॉल होना है, ये इंस्टॉल होगा आज, और इसलिए आज ही यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी तो आज ही लाया गया है, और इसे आज ही इंस्टॉल किया जाएगा। तो देखिए इसे फटाफट से निकाल लेते हैं, और हमने सोचा साथ के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो भी शेयर कर लेते हैं कि ये बिल्कुल न्यू है, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता नहीं भी है, क्योंकि जो आप बहुत सारी पुरानी ईंटें की बनाते थे वाटर टैंक जो बनाते हैं, वो लीकेज कर जाती है, फिर आपको कंक्रीट की बनानी पड़ती है, और कंक्रीट की बनाएंगे तो अच्छी रहती है, लेकिन अभी ये ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल हुआ है तो ठीक है, तो हम भी इसे ही लगा रहे हैं। हमें अदरवाइज़ कंक्रीट की करवानी थी, लेकिन हमने जो है सोचा इसे लगवा के देखते हैं कैसी रहती है, अच्छी रहती है, न्यू चीज़ आई है तो यूज़ करना तो बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर गड्ढा किया जा रहा है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जाना है, और जितनी इस टंकी की जो हाइट है और चौड़ाई है, लेंथ, ये सब के हिसाब से गड्ढा किया जा रहा है, मेजरमेंट के हिसाब से। और इसके बाद इसमें जो है बेस होगा, अभी बेस किया जाएगा, उसके बाद जो है टंकी इंस्टॉल की जाएगी, और इस तरह से बेस होगा, पूरा गिट्टी का, बड़ा गिट्टी का ढेर होता है ये, इसे करने के बाद ये जो है घर में हो रहा है। तब तक हम आपको अपने रूम का जो है, चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं, रूम में भी जो है बेस हो रहा है हमारी जो है घर, जैसे कि आप सबको पता है कि घर बनवा रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो है पूरा काम हो चुका है ब्रिक वर्क का, अब जो है बेस हो रहा है और उसके बाद सेंटिंग होगी। तो देखिए पूरा सब तरफ से जो है तैयार हो चुका है, ऊपर छत तक का पहुँच चुका है हमारा घर का, और अब जो है यहाँ पर सब तरफ जो है ये देखिए बेस हो रहा है, बेस के बाद इसे जो है सेट होता रहेगा जब तक टंकी सेट होगी लगेगी, और ये सेट हो जाएगा उसके बाद जो है इसमें सेंटिंग होगी। तो हमने आपको दिखा दिया, बेस भी जो होता है 4 इंची से कम नहीं होता है, 4 इंची का बेस होता है घर के अंदर जो होती है, बेस होती है फ्लोर में, उसके बाद जो है फ्लोरिंग हो या टाइल्स कुछ भी जो भी आपको करवानी है वो चीज़ होगी, लेकिन बेस तो 4 इंची का पड़ना ही पड़ना है, तो भी 4 इंची का बेस पड़ रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है कार्य जो है स्टार्ट है, और हमने एक झलक आपको दिखा दी, बहुत दिनों के बाद जो है हमने घर का अपडेट दिया है। वैसे काम तो रोज़ होता है और अपडेट भी रोज़ का होता है, लेकिन
अभी थोड़ी टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बहुत कम ही वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए एक साथ सोचा दोनों दिखा दें। तो ये देखिए टंकी इंस्टॉल हो रही है, और जो है ये मिस्त्री लोग हैं, तो मिस्त्री भाई लोग हैं, तो ये लोग जो है इसे इंस्टॉल करेंगे और दिखाएंगे हम आपको आज कैसे इंस्टॉल होती है। तो चलिए इसके साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं इसका प्राइस क्या है इस टंकी का। ये देखिए इंस्टॉल की जा रही है और बहुत चौड़ी है, तो छोटी मोटी गेंट होगी तो घर के अंदर आनी मुश्किल हो जाएगी, ये टैंक जो है घर के अंदर नहीं आ पाएगी, बहुत चौड़ी होती है। हाइट जो है इसकी 5 फुट तो होती है, चौड़ाई भी इसकी 4 फुट के लगभग है, तो जिसके यहाँ छोटी गेट है उसमें नहीं घुस पाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो है बेस कर दिया गया है और साइड से ईंटे की दीवार कर दी गई है ताकि सेफ रहे, भविष्य में भी कभी ईंटे की दीवार ऐसे ही डाल के डालनी चाहिए ताकि सेफ रहे दीवार जो है, टंकी जो है सेफ रहे। और हमने जो है ज़मीन देख लीजिए, हमें यहाँ जो है कंक्रीट की करनी थी, हमने इस टैंक को जो है इंस्टॉल किया है। अगर मान लीजिए कभी भविष्य में प्रॉब्लम भी आएगी तो हम यहाँ पर कंक्रीट का कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे घर के अंदर नहीं बनवा रखा है, सिर्फ फ्लोर में बाहर का जो फ्लोर था वहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो ये जो जगह है एक्स्ट्रा में मतलब फ्री ही पड़ी है, तो ये हम इसे बाहर तरफ ही डलवा रहे हैं। देखिए ये नल है तो नल के बाजू से ही डलवा रहे हैं ताकि कनेक्शन भी वहीं के वहीं हमारी फिट हो जाए। और इंस्टॉल देखिए किस तरह से होती है, राड के हिसाब से होती है, क्योंकि नीचे इतनी जगह है, इतनी गड्ढा खोदी गई है जितने में ये टैंक आ जाएगी। ये राड की सहायता से इंस्टॉल हो गई, बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो गई है। और अब जो है इसका जो है देखा जाएगा कनेक्शन किस तरह से देना है, तो जिस तरफ से कनेक्शन देना है इसे बस एडजस्ट किया जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे घुमाया जाएगा बस, बाकी सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद जो है इसमें लीड लगा दी जाएगी, और अब धीरे धीरे जितना भी साइड में जगह बचा हुआ है तो इसमें जो है मिट्टी भरेंगे हम, कंक्रीटिंग नहीं की जाएगी, मिट्टी ही भरना है। तो इसीलिए थोड़ा सा जगह भी छोड़ा है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत जगह भी रहे और साइड से थोड़ा बहुत बचे। तो ये सब देखते हुए हमने जो है इंस्टॉल करवा दिया है, इसे इंस्टॉल हो गई है और अब मिट्टी भर के कंक्रीटिंग हो गई और सारा वर्क हो चुका है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हमने बीच से जो है छोटे छोटे क्लिप्स आपसे लिए हैं, छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं। और इंस्टॉल करने के बाद मिट्टी भरने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि आगे कैसा लुक आया है इसका। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका प्राइस हमने नहीं बताया आपको अभी तक, इसका प्राइस जो है हमें 8,000 का पड़ा है, ये टंकी जो है 8,000 की पड़ी है और गारंटी इसकी 10 से 15 साल की है, 10 से 15 साल की गारंटी है, 8,000 की जो है ये पड़ गई हमें। तो हमने इसका प्राइस बता दिया है, लीटर बता दिया है, वहाँ चक्कर का टंकी का नाम भी बता दिया है, और ये हमें अच्छी लगी तो हमने इसे जो है लगवा लिया है। और अब चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर मैम, देखिए जगह ऐसी है और मिट्टी मिट्टी का सारा वर्क हो रहा था, बाकी सब जगह तो हो चुका, बस ये लास्ट था, बाकी सारा वर्क हो चुका हमारा। और बेस जैसा कि हमने आपको दिखाया घर में बेस हो रही है, और वहाँ से निकल के आते आते तक ये मिट्टी की ढलाई जो हो जाएगी और यहाँ पर मिट्टी भर के राडिंग वगैरह हो जाएगी तब तक, उसके बाद जो है यहाँ पर भी बेस कर दिया जाएगा। और हम आपको दिखाएंगे इसमें कि हमने बेस भी करवा दिया है पूरी, हमने टंकी की इंस्टॉलेशन आपको दिखा दी है, उसके बाद जो है इसके ऊपर चेंबर बनेगा। ये मिट्टी डालने के बाद जो है प्लम्बर अपना जो है पाइप वगैरह फिटिंग करेंगे, उसके बाद जो है इस पर पूरी कंक्रीटिंग हो जाएगी चेंबर बना के, उसके बाद में जो है हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि अभी हम जो है घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके काम आएगी, और अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और अब जो है हमारी टंकी का इंस्टॉल हो चुका है और इसमें अब बस थोड़ी सी काम बच गई कि मिट्टी डालना, और उसे हम नहीं दिखा रहे आपको। और इसके बाद जो है प्लम्बर आके अपना जो है फिटिंग भी कर चुके हैं, हमने जो है कुछ दिन बाद ये वीडियो अपलोड की है। इसके बाद देखिए नल की पूरी फिटिंग हो चुकी है और अब इस पर चैम्बर भी बना दिया गया और कंक्रीट भी पूरी हो चुकी है, देखिए इस तरह का वीडियो नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर सिर्फ टाइल्स लगेगा और चैम्बर का जो गेट वगैरह लगता है फाटक वो सब लगाया जाएगा, बाकी पूरी फिटिंग हो चुकी है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।